धर्मशाला से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने 3,285 मतों से जीत हासिल की। वहीं भाजपा को भी जिला कांगड़ा में भारी झटका लगा है। जहां एक और कांग्रेस इन चुनावों में 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं भाजपा के पाले में 4 सीटें और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। कल हुई इस मतगणना के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने पहले ही राउंड से बढ़त बनाई हुई थी और तीसरे राउंड तक सुधीर शर्मा को लगभग 3,000 वोटों की लीड मिल चुकी थी। वहीं भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी सुधीर शर्मा को मिलती लीड को देखते हुए तीसरे राउंड में ही अपना उदास चेहरा लेकर मतगणना स्थान से रवाना हो गए थे। जीत हासिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुधीर शर्मा ने कहा कि ये जनता की जीत है और धर्मशाला की जनता ने व प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री चुनने को लेकर पूछे गए सवाल पर सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन कांग्रेस हाईकमान द्वारा किया जाता है। कांग्रेस हाईकमान जिस किसी को भी हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनेगी उसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों के दौरान जो वायदे लोगों के साथ किए हैं उन वायदों को कांग्रेस पार्टी द्वारा निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा और जिस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक धर्मशाला में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरा करना बाकी है और कुछ काम अधर में छूटे हुए हैं। इसी के साथ धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए कुछ नई योजनाएं भी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है, वे प्रदेश की दूसरी राजधानी है, तो उसी तर्ज पर धर्मशाला को विकसित किया जाएगा। देखिए, ये जनता की जीत है और कांग्रेस में प्रदेश की जनता ने पुनः विश्वास जिताया है और कांग्रेस की सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में बनने जा रही है। इसके लिए प्रदेश की जनता का और धर्मशाला की जनता का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसका निर्णय देखिए चुने हुए विधायक और जो हमारी पार्टी हाईकमान है वो करेगी, जिसको भी करेगी उसके साथ सभी लोग मजबूती के साथ चलेंगे। प्रदेश के लिए जो 5 वर्ष का कार्यकाल के लिए जनादेश मिला है उसके लिए सबको मिल करके काम करना है। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा, देखिए एक प्रदेश है, अगर ऐसे जिलों में बांटने लगेंगे तो वो कोई अच्छा संदेश नहीं है। जो हाईकमान निर्णय करेगी, पार्टी हमारी है तो जो फैसला होगा उसी के ऊपर जो है वो सब लोग चलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जो भी जनता के साथ वादे किए हैं उनको पूरा करेगी और जिस तरह से एक रोड मैप तय किया है उसके ऊपर काम करेंगे। कि अभी तो सरकार बनेगी, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको पूरा करना है, कुछ अधर में छूटी हुई हैं, कुछ नई योजनाएं भी लाएंगे। धर्मशाला जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है, प्रदेश का दूसरी राजधानी है, तो उस तरह से ही इसको विकसित करेंगे। देखिए, पर्यटन को विशेष प्राथमिकता जो है वो इन 5 वर्षों में दी जाएगी। ओपीएस को लेकर के कांग्रेस वचनबद्ध है, पहली कैबिनेट जो होगी उसमें उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो वो तो नोटिफाइड है, वो नोटिफिकेशन रद्द ही नहीं हुई, तो उसके ऊपर आगे काम करेंगे। मैं तो शुरू से ही कहता था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और रीति रिवाज जो हैं और परंपराएं जो हैं ये तो हमारे पुरखों के समय से चली आ रही हैं, इसको कौन बदलेगा, और वही हुआ है।